Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production, and today we are going to do Farms of Verbs with Urdu Meaning. The first thing that I'm going to tell you over here, if you want to download this video as a PDF, you can visit our website EnglishEA.com, or you can take menu links in the comments box. You can ask. We need links for this video so that you could download a video. You can read this or you can download the PDF. So let's get started. The first thing that is over here is pabandi karna. Jab kisi kaid ki pabandi karni ho, kisi kanunon ka kaidon ka manin ki. So you can say in abide by, jiska matlab hai kisi cheez ko follow karna, act upon karna, according to rules kisi pe jana. So abide by, pabandi karna. You should abide by the rules. Aapko waqt ki asoolon ki pabandi karni chahiye. Abuse. The second verb is abuse, jiska matlab hai gaali dena. To use abusive language or hateful speech or bad language, that means gaali dena. Kisi ko marna peetna bhi abuse hi kehlata hai. So abusive chalna kya kehlata hai? Kisi ko marna, daantna, peetna ya phir gaali dena, jiska matlab hai abuse. So the next verb or the example sentence that I'm going to tell you here is he abused his friend. उसने अपने दोस्त को गाली दी या उसने उसके दोस्त को गाली दी. Why did he abuse first? उसने पहले गाली क्यों दी? Why did he abuse first? The next verb is act, जिसका मतलब है अमल करना. Act से निकला action, यानी काम, और actor अमल करने वाला, activity सरगर्म. Act अमल करना. He acted upon doctor's advice. उसने डॉक्टर की नसीहत पर अमल किया. What are your activities these days? आजकल आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं? The next verb is add, जिसका मतलब है जमा करना. किसी चीज़ को किसी में जमा कर देना add कहलाता है. इसमें addition और additional word जो है वो add से ही निकले हैं, जिनका मतलब होता है जमा करना. His speech added a charm in the audience. उसकी तकरीर ने सामीन में जादू भर दिया, यानी charm जो था वो add कर दिया, जमा कर दिया. Add का मतलब होता है जमा करना, भरना, मालगुदान को इकट्ठा करना. The next verb is advertise. Advertise का मतलब है मशहूरी देना, मशहूर करना किसी चीज़ को. इसकी जो noun है वो है advertisement या advertiser. He advertised his car on OLX. उसने OLX पर अपनी कार की मशहूरी दी, एडवर्टाइज किया. तो उसकी कार की क्या थी? एडवर्टीजमेंट थी, यानी उसने इश्तिहार दिया. सो एडवर्टाइज मशहूरी देना. यू कैन डाउनलोड दिस वर्ब्स इन टू अवर वेबसाइट englishea.com एज अ PDF. द नेक्स्ट वर्ब इज एडवांस, जिसका मतलब है आगे बढ़ना. एडवाइज नसीहत करना, अफेक्ट असर करना, एल बीमार होना, दुख देना. एल एक वर्ब है जिसका मतलब है कोई चीज़ दुखाती हो या बीमारी देती हो, एल हो जाना. द नेक्स्ट वर्ब इज़ एम. एम का मतलब है मकसद होना, किसी चीज़ का कोई मकसद होना एम कहलाता है. जो कोई आपकी लाइफ का एम होता है, माई एम इन लाइफ, आपने सुना होगा. और जो बंदा डामाडोल हो वो एमलेस होता है, जिसका कोई मकसद नहीं होता, किसी भी पर्पस के बगैर होता है, यानी वो एमलेस होता है, पर्पस लेस होता है. द नेक्स्ट वर्ब इज अम्यूज. अम्यूज लुत्फ उठाना, मज़ा लेना, किसी मौके से, किसी महफल से, किसी भी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में आप अम्यूज़ हो जाते हैं. किसी फिल्म को देख के आप अम्यूज़ होते हैं, किसी आप चिड़ियाघर की सैर करते हैं, आप काफ़ी अम्यूज़ होते हैं. सो दैट मीन्स लुत्फ उठाना, अम्यूज. द नेक्स्ट वर्ब इज़ अनाउंस, दैट मीन्स ऐलान करना, अरेस्ट गिरफ्तार करना, अनॉय गुस्सा दिलाना, अराइव पहुँचना, आंसर जवाब देना, असेंट चढ़ना, असेंट चढ़ना. इसमें आपने काफ की आवाज़ नहीं देनी, एस और सी को आपने सीन की आवाज़ देनी. असेंट चढ़ना. अरेंज तरतीब देना, इंतज़ाम करना. हर चीज़ को आप सलीके से रखते हैं, करीने से रखते हैं, जिसका मतलब होता है आप उसको अरेंजमेंट दे रहे हैं. हर प्रोग्राम को आप अरेंजमेंट दे रहे हैं. कोई शादी है, फंक्शन है, उसमें आपने हर चीज़ों को अरेंज देना है.
कि इस दिन दावत होगी, इस दिन हम कार्ड भेजेंगे, इस दिन हम वलीमा करेंगे, ये रुखसती होगी, ये वो होगा। अरेंज करना, तरतीब देना, किताबों को अरेंजमेंट के साथ रखना, सब्जेक्ट वाइज आपने अरेंज किया हुआ है। ऑक्शन, नीलाम करना, एम पहले भी बता चुके हैं, जिसका मतलब है मकसद होना, बार्क भौंकना, कुत्ते का भौंकना। अम्यूज, लुत्फ उठाना, बियर बर्दाश्त करना। बीट, मारना या ढोल का पीटना, किसी चीज़ को स्ट्राइक करना, टका टक क्या कहलाता है, बीट। बिकम, बनना, जैसे आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। द नेक्स्ट वर्ब इज बैग, जिसका मतलब है मांगना, बैग मांगना। बिगेन, शुरू होना, शुरू करना, किसी चीज़ का स्टार्ट लेना, बिगेन कहलाता है। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, क्या मतलब है, देखना। बिलोंग, ताल्लुक होना, जैसे आई बिलोंग टू साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, मेरा ताल्लुक साहिवाल के ज़िला से। बेंड, झुकना। बिरीव, बिरीव एक वो मतलब है कि किसी को किसी से जुदा कर देना अफसरदगी में, जैसे एक कपल में से एक जुदा हो जाता है, वफात पा जाता है, तो वो बिरीव हो जाता है, वो अकेला तनहा रह जाता है, महरूम हो जाता है उसका साथी, तो वो अफसरदा होता है। तो बिरीव, महबूब से महरूम होना। बिसीज, इल्तजा करना। बैटर एज अ वर्ब, अगर हम बैटर को इस्तेमाल करें तो उसका मतलब है बेहतर करना, और एज अ नाउन इस्तेमाल करें तो बैटर का मतलब है बेहतर। सो बैटर, बेहतर करना, इम्प्रूव करना। तो ख्याल कीजिएगा कि आप बैटर को एज अ नाउन ही इस्तेमाल करें, और बेहतर करने को आप इम्प्रूव के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए। आई एम इम्प्रूविंग इट, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ। और बैटर को इस्तेमाल करें नाउन की जगह पे, जहाँ पे आपने कहना हो ये बेहतर है, इट इज़ मच बैटर। बिट, बोली लगाना। बाइट, काटना। ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम देना। ब्लीड, खून का बहना, दांतों में से खून का आना, ब्लीड माई टीथ आर ब्लीडिंग, यानी दांत से खून बह रहा है। माई टूथ इज ब्लीडिंग, मेरा दांत में से खून बह रहा है। हिज फुट इज ब्लीडिंग। सिमिलरली ब्लाइंड एक एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सिर्फ अंधा, और किसी को धोखा देने की गर्ज से ब्लाइंड कर देना, आँखों से अंधा कर देना, और किसी को धोखा देने से गर्ज कर अंधा करना, ब्लाइंड। जैसे यू आर ब्लाइंडिंग मी, यानी आपने सच छुपा दिया और झूठ बोल के उसको अंधा कर रहे हैं, सो यू आर ब्लाइंडिंग हिम। और एज अ नाउन इस्तेमाल करें तो ब्लाइंड लास्ट पे आएगा, और याद रखिएगा वर्ब और नाउन का फ़र्क तब महसूस होता है, हालांकि वर्ड सेम है, जैसे वाटर पानी, और वाटर पानी देना, और ये आखिर पे इस्तेमाल हुआ तो वाटर सिर्फ पानी के लिए, जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, उसमें वाटर जो है लास्ट में मैंने इस्तेमाल किया, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर क्या हुआ, सिर्फ पानी। और अगर मैं कहूँ आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, यानी मैंने शुरू में वाटर का इस्तेमाल किया, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, तो इसका मतलब हुआ मैं पानी दे रहा हूँ, पानी लगा रहा हूँ। तो कितना फ़र्क है, ब्लाइंड शुरू में इस्तेमाल किया, वाई आर यू ब्लाइंडिंग मी, आप मुझे अंधा क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे आप उसको उल्लू क्यों बना रहे हैं, ब्लाइंडिंग। तो अगर मैं ब्लाइंड को लास्ट में इस्तेमाल करूँ, जैसे ही इज़ ब्लाइंड, तो फिर उसका मतलब होता है वो अंधा है। सिमिलरली ब्लेस, जिसका मतलब है कोई चीज़ का रहमत बरकत का नाजिल होना, यू आर ब्लेस्ड विद गुड लाइफ, आपको अच्छी ज़िंदगी से आपको अच्छी ज़िंदगी अता हुई है, मिली है, कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से मिलना ब्लेस कहलाता है। ब्लो, हवा का चलना। बॉयल, उबालना या उबलना। बुक, किसी चीज़ को मखसूस करवा लेना, बुक करवा लेना एज अ वर्ब, और एज अ नाउन बुक का मतलब होता है किताब। बाउंड, उछलना, कूदना, और बाउंड का एज अ नाउन मतलब होगा कोई चीज़ जो है वो हद में आ जाती है, बाउंड्री में आ जाती है, बाउंड में आ जाना। ब्रेक, तोड़ना। बिल्ड, तामीर करना। बर्न, जलाना, और बरी का मतलब है दफन करना। द नेक्स्ट वर्ब इज बाय, खरीदना। कॉल, बुलाना। कैंसिल, मनसूख करना। कास्ट, फेंकना। कैच, पकड़ना। चेन, जंजीर डालना। चेंज, बदलना। क्राय, रोना। चेस, पीछा करना। चीट, धोखा देना। चेक, पड़ताल करना, चेक करना। चीयर,
शाबाश देना। और ये चेक भी दो मतलब है, एक चेक होता है जिसके स्पेलिंग भी डिफरेंट है, वो बैंक का चेक होता है। ये चेक का मतलब है किसी चीज़ को जज करना, चेक करना, पड़ताल करना। द नेक्स्ट वन इज चूज, जिसका मतलब है चुनना। क्लियर, वाजे करना, क्लियर करना। सर्कल, दायरा लगाना, घेरे में लेना। क्लेम, दावा करना, मलकियत का बताना कि मैं इसका क्लेम करता हूँ, ये मेरा है। क्लेम करना, दावा करना। द नेक्स्ट वन इज सिविलाइज, जिसका मतलब है किसी को महज़ब बनाना, सिविलाइज करना, किसी को ढाल देना उसके मुताबिक। क्लास, क्लास का मतलब है दर्जा देना, क्लासीफाई करना। एक क्लास का मतलब होता है सिर्फ क्लास, यानी ग्रुप। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लीन, जिसका मतलब है साफ करना, क्लीन करना, सफाई करना। क्लोज, बंद करना। खर्स, लानत देना। खट, काटना। डेयर, जरूरत करना। डील, स्लो करना, कारोबार की बात करना, डील करना। डिसीव, धोखा देना। डिसाइड, फैसला करना। डिक्लेयर, ऐलान करना। डिफेंड, दिफा करना। डिजेक्ट, अफसरदा होना, अफसरदा कर देना, जैसे डिजेक्ट करना किसी को, किसी की बात सुना के। डेलिब्रेट, गौर फिक्र करना। डिलीवर, पहुंचाना, डिलीवर करना। डिमांड, मुतालबा करना। डिनाए, इनकार कर देना। डिपार्ट, एक हिस्से को दूसरे से अलग कर देना। डिपेंड, भरोसा करना, इन्हसार करना किसी चीज़ पे, मुनहसर होना, डिपेंड होना। और जो नहीं होते वो होते हैं इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद होते हैं, और कुछ डिपेंडेंट होते हैं जो किसी पे इन्हसार रखते हैं, किसी पे भरोसा रखते हैं, किसी पे मुनहसर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिपॉजिट, जिसका मतलब है जमा करना किसी चीज़ पे, जमा करना किसी चीज़ को, पैसों को जमा करना, जमा करवा देना किसी के पास, हमारे तौर पे रख देना, उसको देना, डिपॉजिट कहला। एंड द नेक्स्ट वन इज डिप्रेस, परेशान करना, मजबूर करना। डिप्रेस, परेशान करना, मजबूर करना, डिप्रेस करना। डिप्राइव, महरूम करना, जैसे किसी को बेसिक हक से डिप्राइव कर देना है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, उनको उनके बेसिक राइट्स से डिप्राइव कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। डिप्यूट, नुमाइंदा बनाना, सुपुर्द करना। डिरेल, उतरना, एक रास्ते से हट जाना, एक मकसद से डिरेल हो जाना, जैसे गाड़ी का एक मखसूस पटड़ी से उतर जाना डिरेल कहलाता है। इसी तरह अगर एक बंदा एक मकसद पे हो, एक रेल पे हो, एक ट्रैक पे हो, तो वो डी ट्रैक हो जाती है, डिरेल हो जाती है, एमलेस हो जाता है। यानी एक एम पे होता है, उसे उतरा, डिरेल हुआ, डी ट्रैक हुआ, तो वो क्या कहलाया, एमलेस कहलाया, और डामाडोल कहलाया, और डिरेल कहलाया। डिराइड, मजाक उड़ाना किसी का, डिराइड मजाक उड़ाना। डिराइव, अखज़ करना, कोई चीज़ मिलना, हल कोई चीज़ मिल जाना, अखज़ होना, तजर्बे से किसी बातों से आप कुछ फाइनली कंक्लूड करते हैं, तो वो आप डिराइव करते हैं, हासिल करते हैं। डिसेंड, उतरना, और असेंड का मतलब है चढ़ना। डिस्क्राइब, बयान करना। डेजर्ट, अकेला कर देना, बेवफाई करना, किसी को छोड़ देना। डिज़र्व, मुस्तहिक होना, किसी चीज़ का, कोई इनाम का हकदार होता है तो वो उसका, उसको डिज़र्व करता है। डिज़ायर, ख्वाहिश करना, लॉन्ग ख्वाहिश करना, विश ख्वाहिश करना, क्रैव भी एक यही वर्ड है। डिस्ट्रॉय, तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रैक्शन इसका नाउन है, जिसका मतलब तबाही, पैरिश, तबाह होना। डिटरमाइंड, डटे रहना, एक मकसद पे खड़े होना, डिटरमाइंड रहना, यानी साबित कदम रहना। डिवोट, वक्फ कर देना। डाई, मरना, आपने डिवोट ही सुना होगा, यानी कि जो वक्फ करने वाला होता है किसी का, किसी का मुकल्लिद हो जाता है, किसी के मुताबिक चलता है, उसको फॉलो करता है, डिवोट उसको वक्फ कर देता है, डिवोट कर देता है अपनी ज़िंदगी को काम के लिए। डाई, मरना, वफात पाना। और डिग, खोदना। डिसमिस, हटा देना। डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, बांटना। डिस्टर्ब, तकलीफ देना। डिवोर्स, तलाक देना। डू, करना। डाउट, शक करना। डोवर, जहेज में कुछ देना, और डाउरी से आपने सुना होगा जहेज कहलाता है। डाउन, एक डाउन होता है नीचे, एज अ वर्ड,
और एक डाउन होता है नीचा करना, कोलैप्स में आना, किसी को टैकल डाउन करना, डाउन नीचे गिराना, डाउन करना एज अ वर्ब। ड्राफ्ट खाका तैयार करना, किसी चीज़ को आप ड्राफ्ट करते हैं, अभी वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता तो वो ड्राफ्ट कहलाता है। ड्रेन खाली करना, निकासी में या पानी आपके घर में दाखिल होता है बारिश से तो आप उसको ड्रेन कर रहे होते हैं, खाली कर रहे होते हैं पानी से, यानी पानी का इखराज करना, पानी को खारिज करना। ड्रॉ खींचना, ड्रीम ख्वाब देखना, ड्रेस पहनना एज अ वर्ब। ड्रिंक पीना, ड्राइव चलाना, किसी भी चीज़ को चलाना ड्राइव कहलाता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी हो या ज़िंदगी का कोई भी काम हो, ड्राइव कहलाता है। द नेक्स्ट वर्ब इज़ ड्राउन डूबना। डवेल रिहाइश होना, डाई रंगना, अर्न कमाना, अर्थ मट्टी के ढेर से ढक देना, किसी चीज़ को अर्थ कर देना, और अर्थन पार्ट होता है मट्टी का बना हुआ कोई भी बर्तन, अर्थन पार्ट। वर्ड है ईज, जिसका मतलब है सुकून देना, इसका नाउन है ईजी यानी आसान, आसान बना देना ईज कहलाता है। ईट खाना, इम्प्लॉय नौकरी देना, और इम्प्लायर नौकरी देने वाला, और इम्प्लाई जो होता है वो नौकर होता है, इम्प्लॉय नौकरी देना। एंड ख़त्म करना, इंड्योर बर्दाश्त करना, यानी कोई आप प्रोडक्ट देते हैं तो वो कितनी इंड्योरिंग होती है, उसका एक्सपायरी टाइम आ जाता है जब, लेकिन तब तक वो इंड्योर रहती है, डट के रहती है, किसी हालात का सामना करना भी इंड्योर कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंटर दाखिल होना, इंटरटेन खातर ताज़े करना, एक्सपेल निकाल देना, बेदखल करना, किसी को एक्सपेल कर देना, एक्सपेल आउट खारिज होना किसी चीज़ का। एग्जामिन मुआयना करना, एक्सीड हद से तजावज करना, एक्सल बेहतरी पाना, सबकत ले जाना, बाजी पाना, एक्सपेक्ट तवक्को करना, किसी से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखना एज अ वर्ड, एक्सपेक्ट करना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। द नेक्स्ट वन इज फेस, सामना करना, फाल गिरना, फीड खुराक देना, खिलाना पिलाना, ब्रेड करना, फील महसूस करना, फाइट लड़ना, फाइंड ढूंढना, फायर बंदूक चलाना, फिश मछली पकड़ना, फिट किसी चीज़ का मौजू रहना, पूरा आना, सूट करना, फिक्स मुकर्रर करना, फ्लैग हवा के ज़ोर से दरख्त फ्लैग करते हैं, झुकते हैं, लड़कना किसी चीज़ का फ्लैग कहलाता है, लुढ़कना, फ्लेम शोले का भड़कना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्लैटन, आपने सुना होगा किसी चीज़ को सीधा करना, फ्लैट करना, तो फ्लैटन सीधा करना, फ्लैट से फ्लैटन, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन, शार्प से शार्पन, स्ट्रेट से स्ट्रेटन, इसी तरह फ्लैट से फ्लैटन सीधा करना किसी चीज़ को, जैसे लोहे से कूट कूट कर उसको सीधा किया। फ्लैटर झूठी तारीफ करना, फ्लैटर। फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब है महक देना, महक किसी चीज़ को महकाना। फ्लाई उड़ना, फोल्ड तह लगाना, फॉलो पीछा करना, फूल उल्लू बनाना, फोर बियर सब्र तहमल करना, सब्र करना, तहमल करना। एंड द नेक्स्ट वन इज फॉरबिड मना करना, फोर्स जोर देना, किसी को ज़बरदस्ती उकसाना या ज़बरदस्ती कुछ करवाना फोर्स कहलाता है। फॉरगेट भुलाना, फॉरगिव मुआफ़ करना। ग्लैडन खुश करना, ग्लैड का मतलब होता है खुश, सो ग्लैडन का मतलब खुश करना। कई ऐसी वर्ब है जिनके आखिर में ई एन लगा हो तो वो वर्ब बन जाती है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके थे फ्लैटन, स्ट्रेंथन, शार्पन, इसी तरह से ग्लैडन वर्ड है जिसका मतलब है खुश करना। ग्लास जिसका मतलब है शीशा लगाना, अब ये इसको आपने ग्लासन नहीं कहना, सिर्फ ग्लास का मतलब शीशा लगाना भी कहलाता है। ग्लिटर जगमगाना, चमकना, ग्लिटर करना, जैसे ऑल दैट इज़ ग्लिटरिंग इज़ नॉट अ गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह ग्लिटर चमकना, ग्लिटर की चौथी फॉर्म चमकने वाली चीज़ ग्लिटरिंग। ग्लोरीफाई अजमत बयान करना, ग्लोरीफाई योर गॉड, अपने रब की अजमत बयान करो, अजमत बयान करना। ग्लॉस ग्लॉसरी सुना होगा, हर उस चीज़ की तशरी ग्लॉसरी कहलाती है, एक वर्ड का मीनिंग देना ग्लॉस कहलाता है, सो एज अ वर्ड ग्लॉस, ये स्पेलिंग में भी GLOSS है, ग्लॉस। द नेक्स्ट वर्ब इज़ गो जाना, ग
गवर्न हुकूमत करना और गवर्न से निकला गवर्नमेंट एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट दर्जा देना ग्रांट अता करना ग्रो बढ़ना गार्ड हिफाजत करना गैस अंदाज़ा लगाना गाइड रहनुमाई करना गम चिपकाना गन गोली मारना हैबिचुएट आदि करना किसी को मिंगल कर देना किसी चीज़ के मुताबिक उसको यूज़ टू कर देना हैबिचुएट कहलाता है कस्टम टू कर देना उसको उसके मुताबिक हैबिचुएट आदि करना हाल्ट ठहरना रोकना हैंड हवाले करना हैंग लटकाना हार्डन सख्त करना हेट नफरत करना हेड सर मारना स्ट्राइक करना सर को हील जख्म का बेहतर होना जख्म का भरना हील कहलाता है हियर सुनना हेल्प मदद करना हाइड छुपना छुपाना हायर किराए पे लेना होर्ड ज़खीरा करना किसी भी चीज़ को माल गोदाम को होर्ड कर लेना ज़खीरा करना इकट्ठा करना माल गोदाम जमा करना होर्ड कहलाता है जैसे होर्डिंग इज़ अ क्राइम यानी होर्डिंग जुर्म है ऑनर इज्जत देना होप उम्मीद करना हॉर्न हॉर्न बजाना एज अ वर्ब हॉर्न बजाना और एज अ नाउन हॉर्न हॉरिफाई डराना और हॉरर का मतलब होता है डरावना हॉर्स घोड़े पे बिठाना और हॉर्स का वैसे भी मतलब है घोड़ा एज अ वर्ब आर यू हॉर्सिंग क्या आप घोड़े पे बैठ रहे हो राइट हाउस घर में ठहरना हम्बल इनकसार होना नीचा होना हंगर भूखा होना फीलिंग हंगरी ऑलराइट हंट शिकार करना हरी जल्दी करना आइस बर्फ से ठंडा करना मेक इट आइस और आर यू आइसिंग इट क्या आप इसको ठंडा कर रहे इग्नोर नज़रअंदाज करना इमेजिन तस्वर करना और वर्ड है इमिग्रेट जिसका मतलब है इमिग्रेट का मतलब है दूसरे वतन ठहरना एक वतन से दूसरे वतन तबादला करना इमिग्रेट होता है इम्पोर्ट बाहर से मंगवाना कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेड हो वो बाहर से मंगवाई जाती है उसकी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं बाज़ुकात चीज़ें ऐसे ही बिका दी जाती हैं दुकानदार काफ़ी ज़्यादा बड़े क्राफ्टी होते हैं बेचने में वो कहते हैं जी इम्पोर्टेड लोग कहते हैं पता नहीं इम्पोर्टेंट है वो इसकी निस्बत पुरानी चीज़ को इम्पोर्टेड कह के वो इसको महंगे दामों बेच लेते हैं और खरीदने वाला खरीद लेता है इम्पोर्टेड है तो वो इम्पोर्टेड से मुराद तो ये भी होता है कि ब्रांडेड होती हैं जी बाहर से आई है और वो उनकी ड्यूरेशन ख़त्म हुई होती है एक्सपायर्ड होती है इधर आ जाती है और हम लोग उसको इम्पोर्टेंट समझ के ले लेते हैं लेकिन इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से मंगवाई हुई चीज़ सो इम्पोर्ट बाहर से मंगवाना इम्प्रेस मुतासिर करना इंक्रीज बढ़ना बढ़ाना इन्फेक्ट बीमारी से असर करना किसी चीज़ का जरासीम फैलाना इन्फेक्ट करना जैसे इन्फेक्शन हो जाती है किसी से इन्फ्लुएंस असर डालना इन्फ्लुएंशियल असरदार इन्फॉर्म इतलाह करना सो द नेक्स्ट वर्ब इज़ इंक्वायर जिसका मतलब है पूछना दरियाफ्त करना इंक्वायर करना कोई इंक्वायरी लेना मैं उसका इंक्वायर करता हूँ इंक्वायरी लेता हूँ पूछता हूँ क्या प्रोग्रेस है क्या है या इंक्वायर करना किसी की हेल्थ के बारे में इंक्वायर करना पूछना इंस्पेक्ट मुआयना करना इंस्पेक्शन मुआयना इंस्टिगेट उकसाना भड़काना किसी को किसी के मुताबिक उसको आप इंस्टिगेट करते हैं इश्तियाल दिलाते हैं उसको उकसाते हैं इंस्ट्रक्ट हिदायत देना हिदायत करना इंस्ट्रक्शन जैसे डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन में सिमिलरली इंसल्ट बेइज्जती करना इंश्योर बीमा करना जैसे इंश्योरेंस वर्ड है इन्वेट हमला करना इन्वेट और इन्वेजन हमला होता है फॉरेन इन्वेजन यानी बरूनी हमला ये इन्वेट वहाँ इन्वेजन उसका नाउन है द नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेंट ईजाद करना इन्वेस्ट पैसा लगाना इन्वेस्टिगेट तफ्तीश करना इन्वाइट बुलाना दावत देना आयरन इस्त्री करना इरिगेट पानी लगाना खेतों में आइसोलेट तनहा कर देना इश्यू जारी करना इश्यू कर देना किसी चीज़ को
और जेस्ट का मतलब है मिजाक करना, JEST, ये जेस्ट है, जस्ट नहीं जेस्ट। ज्वाइन मिलाना, जॉक मिजाक करना, जज फैसला करना सोच समझ के, नो जानना। लेबर मेहनत करना और लैंड का मतलब है उतरना। लॉफ हंसना, लीड रहनुमाई करना, लीक टिपकना, लर्न सीखना, लीव छोड़ना, लीगलाइज कानूनी शक्ल देना, कानून बनाना, कानून के मुताबिक चलना, लीगल से निकला वर्ड। और लेंड उधार देना, उधार देना। लेंड एंड लूज योर फ्रेंड, यानी उधार मोहब्बत की कैंची है। लेंड एंड लूज योर फ्रेंड, लेंड एंड लूज योर फ्रेंड, मोहब्बत उधार की कैंची है, उधार दो और अपना दोस्त खो जाओ। लेंड एंड लूज योर फ्रेंड। लेंथन लंबाई देना, मैं पहले भी बता चुका था, स्ट्रेंथन शार्पन स्ट्रेटन लेंथन फ्लैटन ग्लैडन, यानी उसको उसके मुताबिक करना। बाज़ार हम EN का वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें आ जाती है उसकी वर्ब के तौर पे। एंड द नेक्स्ट वर्ब इज लिबरेट, आज़ादी देना, आज़ादी देना। पहले हमने पढ़ा था डेलिब्रेट जिसका मतलब है गौर फिक्र करना, और ये है लिबरेट जिसका मतलब है आज़ादी देना। लाई झूठ बोलना, लाइट रोशनी करना, लाइटन भी होता है और इनलाइटन भी होता है। योर लव इनलाइटन माई हार्ट, आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल को दिल में नूर पैदा कर दिया, यानी इनलाइटन होता है। और लाइट का मतलब ये भी होता है रोशनी देना, इसके साथ साथ इल्म भी देना, यानी इल्म की शमा जलाना, इनलाइटन, इनलाइटन योर हार्ट। और पढ़ाई जो होती है वो दिल से दिमाग की तरफ जाती है, आंखों से देखती है, और दिल की रोशनी पड़ती है तो आंखें जो हैं, जो बंदा अंधा होता है, अंधा इंसान आंखों से भी होते हैं और दिल से भी होते हैं, तो जो इल्म होता है वो दिल में इनलाइटन करता है, और फिर आंखें जो है उसमें नज़र आने के बावजूद जो बंदा अंधा होता है उसको जहालत से रोशनी में आ जाता है। वो जहालत अंधेरा होता है, तारीखी होती है, डार्क होता है, और जो लाइट होती है वो इल्म होता है। सो लाइक का मतलब है पसंद कर। लिव का मतलब है रहना। लूफ आवारा फिरना, लोड बोझ उठाना, लॉक ताला लगाना, लूज खो देना खो बैठना, लव रश करना प्यार करना मोहब्बत करना, मेक बनाना मैनेज इंतज़ाम करना, मार्क निशान लगाना या जहन में रखना, जैसे मार्क योर वर्ड्स, अपनी बात को जहन में रखो, आपने जो कुछ बोला है इसको याद कर लो, मार्क योर वर्ड्स, अपने लफाजों को पक्का कर लो, मार्क कर लो। मार्क का मतलब निशान लगाना। मैरी शादी करना, मास जमा होना, यानी एक मैसिव क्राउड, आपने सुना का मैसिव पीपल वर थे, वहाँ पे मैसिव थे लोग, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे थे, और मास का मतलब जमा होना। मास्टर किसी चीज़ के ऊपर मास्टर हो जाना, काबू करना, काबू में ले आना, आका बन जाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को ग़ुलाम बना लेना, उसका मास्टर बन जाना। तो मास्टर इल्म में भी होता है, इंसानों में भी होता है। मैच मिलाना, मैच्योर पुख्ता होना, पक्का होना, हर चीज़ में उसकी वो इम्यून, हर चीज़ को इम्यून करता हो, हर चीज़ को वो क्या कर लेता हो, मैच्योरिटी रखता हो, पुख्तगी रखता हो, और उसमें वो क्या करता हो, मैच्योरिटी रखता हो। मैच्योर का मतलब पक्का होना, और इंड्योर करता हो हर चीज़ को। और मीन का मतलब होना, मीनिंग होना, मेजर पैमाइश करना, जस्टिफाई सही साबित करना, जस्टिस करना, मेडल जरूरत करना, मेडिएट सालिस बनना, थर्ड आदमी बनना, दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाना, मेडिएट करना, मुसाहलेहत करना, मेडिकेट दवा मिलाना, मेडिटेट गौर फिक्र करना, अकेले में अकेले बैठे आप कुछ गौर फिक्र कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सो मेडिटेट गौर फिक्र करना। मीट मिलना, मेल्ट पिघलना या पिघालना, मेमोराइज याद करना, वर्ड्स को मेमोराइज कर लें। मेरिट काबिल होना, माइग्रेट हिजरत करना, मिल्क दोहना, और एक मिल्क होता है दूध, और एक मिल्क होता है दूध को ही दोहना, यानी एज अ वर्ब, जैसे वाटर पानी, और वाटर पानी लगाना। माइंड
परवाह करना, फिक्र करना, कंसर्न हो जाना उस बात से, डोंट माइंड, आप इस बात की परवाह मत कीजिए। मिलाना, मिक्स, मॉर्न, मातम करना, मूव, हरकत करना, मल्टीप्लाई, ज़र्ब लगाना, ज़र्ब करना, कत्ल करना, मर्डर, नेम, नाम रखना, और नेम का मतलब भी नाम ही होता है, और नेम का मतलब नाम रखना भी होता है, यू नेमिंग इट, आप इसका नाम रख रहे। नरेट, बयान करना, वाक्या या कहानी को बताना। नेशनलाइज, कौमियत देना, नेचुरलाइज, अपनाना, फितरत में लेके आना, उस आदत को बना लेना, नेचुरलाइज कहलाता है। नेविगेट, जहाज़ चलाना, पानी वाला। नीड, ज़रूरत होना। निगेट, तरदीद करना, नफ़ी करना, बात को इनकार कर देना, आई निगेट इट, मैंने ये काम नहीं किया। निगलेक्ट, निगलेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, बेतवज्जही करना, किसी चीज़ पे तवज्जो ना देना, बेपरवाही करना, निगलेक्ट क्या कहलाता है, निगलेक्ट। और नेग्लिजेंसी, बेपरवाही। निगोशिएट, कम करवाना, थोड़ा करवाना। नेस्ट, घोंसला बनाना। ऑब्जेक्ट, एतराज़ करना। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना। ऑब्टेन, हासिल होना, कोई भी नतीजा वगैरह आप ऑब्टेन करते हैं, कोई भी चीज़ हासिल करना ऑब्टेन होता है, आपको रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, कोई चीज़ आपने वेब डाली, एंटर का बटन दबाया तो जो ऑब्टेन हुआ वो हासिल हुआ, उसको बोलते हैं ऑब्टेन। ऑफर, पेशकश करना। ओपन, खोलना। ऑपरेट, चलाना। सिमिलरली, अपोज, जिसका मतलब है मुखालफत करना, सो द वर्ड इज़ ऑप्रेस, जुल्म करना। ऑर्डर, हुक्म देना। ऑर्गेनाइज, मुनज्जम करना। ऑर्नामेंट, सजाना। ऑन, मालिक होना, और ऑनर का मतलब होता है मालिक। पेन, दर्द होना। पार्डन, मुआफ़ करना। पास, गुजरना, गुजारना। पैटर्नाइज, सरपरस्ती करना। पे, अदा करना। और पेन का मतलब कलम भी होता है, और पेन का मतलब वर्ग के तौर पे लिखना भी होता है, जैसे पेन डाउन, लिख लो। परफेक्ट, मुकम्मल करना, ये भी वर्ब भी है और नॉन भी है। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, यानी जामिया, हर चीज़ से बिल्कुल क्या हो, कंडेंस हो, मुकम्मल हो। सो परफेक्ट, मुकम्मल करना भी होता है, लेकिन ये कंप्लीट के मायने में नहीं आता। पैरिश, तबाह होना। प्लांट, पौधा लगाना। पैरिश, वही आपने सूरत लहब सुनी होगी, उसमें उसके हैंड्स और फुट जो हैं वो अल्लाह ताला ने कहा अबू लहब को, तुम्हारे हाथ तबाह हो जाए। सो पैरिश, आपका सामान तबाह हो जाए, मालो जो पता है वो बर्बाद हो जाए, पैरिश हो जाए। प्लीज़, खुश होना। प्लीज़ का मतलब खुश होना। प्लंडर, लूटना, जैसे हमारे मुल्क को लोग प्लंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं। पॉकेट, जेब में डालना किसी चीज़ को, इन पॉकेट करना, एज अ वर्ब और नाउन के तौर पे पॉकेट का मतलब होता है जेब। पॉइंट, इशारा करना। पॉइजन, जहर मिला देना, और पॉइजन का मतलब जहर भी होता है। पॉलिश, किसी चीज़ को रंगना, पॉलिश करना। पॉपुलेट, आबादी करना, पॉपुलेशन, आबादी। पॉपुलराइज, मशहूर करना, और पॉपुलर, मशहूर। पोस्ट, भेजना, चिट्ठी अरसाल करना, डाकखाने में डालना। आजकल तो पोस्ट का मतलब वही होता है कि चीज़ लिख के पोस्ट की सब के सब मिल गई, वो पोस्ट होती है, जो वही पोस्ट अरसाल की जाती है, भेजी जाती है, डाक में डाली जाती है। तब डाकिया आता घर में देता, उसको खोल के हम पढ़ते थे आपकी पोस्ट आई है, तो वो पोस्ट होता था डालना। आजकल तो सामने पोस्ट पड़ा हुआ है आपके मोबाइल में, कोई भी सोशल नेटवर्क पे आप कुछ लिख के पोस्ट कर देते हैं। पोस्टपोन, मुलतवी करना, ताखिर करना। प्रैक्टिस, मशक करना, और एक प्रैक्टिस होता है सिर्फ मशक, वो सी ई होता है, ये प्रैक्टिस एस सी वाला, जिसका मतलब है प्रैक्टिस, मशक करना। इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं शुरू में, आई एम प्रैक्टिसिंग इट, मैं इसकी मशक कर रहा हूँ। प्रेज, तारीफ करना। प्रे, दुआ करना। प्रीच, तबलीग करना। प्रेडिक्ट, पेशगोई करना, पेशीन गोई करना। प्रेडिक्शन, पेशीन गोई, और प्रेडिक्ट, पेशीन गोई करना। प्रेफर, तरजीह देना। प्रिपेयर, तैयार करना। प्रेस्क्राइब, तजवीज़ देना। और ये जो प्रेस्क्राइब वर्ड है, ये डॉक्टर के हवाले से, वो जो कुछ लिखता है दवाइयाँ, वो प्रेस्क्रिप्शन कहलाती है। प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्रिप्शन आपने सुना होगा। सो द वर्ड इज़ प्रेजेंट, पेश करना, तोहफा देना। प्रेजेंट तोहफा भी होता है, सिर्फ और सिर्फ तोहफे के तौर पर। प्रिजर्व, महफूज करना। प्रिसाइड, रहना, और रिसाइड का मतलब भी रहना है, जैसे रेजिडेंसी, रेजिडेंशियल एरिया। अकोमोडेट भी होता है, रिहाइश देना।
सो प्री साइड का मतलब रिहाइश करना, रहना। प्रेस दबाना, प्रिटेंड बहाना बनाना, एक्सक्यूज करना यानी बहाना बनाना, प्रिटेंड। प्रिवेंट इज्तनाब करना, रोकना, मना करना या परहेज करना। प्राइड गरूर करना, प्रिंट छापना। प्रोड्यूस जिसका मतलब है आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, बनाना किसी चीज़ को, प्रोड्यूस करना। प्रोफेस दावा करना, और प्रोग्रेस जिसका मतलब है तरक्की करना, प्रमोट तरक्की देना, प्रोग्रेस तरक्की करना। प्रोहिबिट मना करना, प्रोहिबिट मना करना, प्रोहिबिशन प्रोहिबिटेटेड ममनू। प्रॉमिस वादा करना, प्रमोट तरक्की देना, प्रनाउंस लफ्ज अदा करना। प्रोपगेट बात फैलाना, मशहूर करना, प्रोपगेशन मशहूरी। प्रपोज तजवीज़ देना, आपने सुना होगा प्रपोजल, ये आपको जॉब के लिए प्रपोजल लेटर आता है कि आप हमारी जॉब पे फिट हैं, आप आ जाइए, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी काबिलियत, एबिलिटी, आप मेरिट पे हैं, ये वो। इसी तरह एक लड़की को प्रपोज किया जाता है, वो आप उसको तजवीज़ दे रहे होते हैं कि मेरे ख्याल में हमारा जहन मिलता है, हम शादी क्यों ना कर लें, तो वो प्रपोजल लेटर, वो भी प्रपोजल होता है। ये प्रपोज यानी प्रपोज करना शादी के लिए, जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए किसी को प्रपोज कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉस्पर, जिसका मतलब है खुशहाल बनाना, तरक्की वाला करना, खुश कर देना। आपने सुना होगा प्रॉस्पेरस, जिसका मतलब है खुशहाल, जैसे एक बादशाह एक खुशहाल मुल्क पे हुकूमत किया करता था, तो इसी तरह वो प्रॉस्पेरस कंट्री पे क्या करता था, हुकूमत करता था, रूल्ड अ प्रॉस्पेरस कंट्री। प्रोटेक्ट हिफाजत करना, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, क्या करना, एहतजाज। प्रूफ साबित करना, प्रोवाइड मुहैया करना, प्रोवोक जगाना, इश्तियाल दिलाना, प्रोवोक करना, बेदार करना किसी को, कुछ सोए होते हैं जहालत की नींद में, डीप स्लंबर में, तो उसको उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं। पब्लिश शाया करना, पुश धकीलना, क्वालिफाई आहिल होना, क्वारल झगड़ा करना, क्वार्टर चार हिस्सों में तकसीम कर देना, और क्वार्टर का मतलब वैसे भी वही होता है चार हिस्से। क्वेश्चन सवाल करना, क्विकन तेज़ करना, जैसे क्विक है तेज़ और क्विकन निकला तेज़ करना, शार्प शार्पन ग्लाइडन। प्रस्यू पीछा करना, ताकुब करना, जैसे पुलिस प्रस्यू कर रही होती है चोर का। कोट हवाला देना, किसी बात का किसी बात से कोट करके कि मैं उसकी बात को कोट कर रहा हूँ, यानी वही बात दोबारा रिपीट कर देना। रेन बारिश होना, रीड पढ़ना, रीज़न वजह होना, रेबल बगावत करना। रिसीव वसूल करना। रिकॉग्नाइज पहचान करना, रिकॉग्नाइजेशन पहचान। रिकमेंड सिफारिश करना। रिकवर सेहतयाब होना। रिक्रूट भर्ती करना। रिड्यूस कम करना। रेफर हवाला देना। रिफाइन साफ करना, छांटना। रिफ्यूज इनकार करना। रिफ्यूज पनाह देना, और जो रिफ्यूजी होते हैं वो पनाह गजीन होते हैं। रिकार्ड समझना। रजिस्टर अंदराज करना, दर्ज करना, रजिस्टर करना। रेग्रेट अफसोस होना, रंज होना, फॉर एग्जांपल हम रेग्रेट करते हैं अपने गुनाहों पे, पछतावा करते हैं। रिलेट बयान करना, रिसाइट तिलावत करना। द वर्ब इज़ रिलीफ, जिसका मतलब है सुकून देना, तस्कीन देना, और रिलीफ वर्ड है कोई मेडिसिन आपको रिलीविंग करती है, ज़ख्म आपका दर्द कर रहा है आपको रिलीव करता है, कोई आप कोई भी किस्म की वैक्स लगाते हैं, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आपको तस्कीन मिलती है। सिमिलरली आपको ड्यूटी है 12 घंटे, उसमें से 2 घंटे के लिए आपने कोई रिलीवर ढूंढा जो आपको रिलीव कर रहा है, उसको रिलीवर कहते हैं, जो आपको सुकून दिलवाता है, आपकी जगह वो 2 घंटा ड्यूटी लेता तो रिलीवर होता है। रिलाय भरोसा करना, कायम करना, किसी चीज़ पे कायम, किसी चीज़ को भरोसा कायम रख लेते हैं किसी चीज़ पे कि वी रिलाई ऑन दिस प्रोडक्ट, ऑन दिस प्रोडक्ट। कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट मिलती है, आपको वही अच्छी है, उसकी ब्रांड जो है उस पर आप रिलाई करते हैं। रिमेन बाकी रह जाना, रिमार्क गौर से देखना। रिमिट माफ़ करना। रिपेयर मरम्मत करना। रिपीट दोहराना किसी चीज़ को,
रिपीट करना, रिपेंट पछताना, रिपोर्ट इतलाह करना, रिप्रोच सरजनिश करना, मलामत करना, रिपल्स पसपाह करना, भगा देना, रिप्यूट मशहूर करना, समझना, रिजेंबल एक जैसा होना और रिजेंबलेंस मुशाहबे होना किसी चीज़ का, रिजर्व महफूज करना, रिसाइड रहना, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था प्रीसाइड, जिसका मतलब है रिहाइश इख्तियार करना, रिजाइन इस्तीफा देना, रिस्पेक्ट अदब करना, रेस्ट सुकून करना, रिटायर मुलाजमत को तर्क करना, पेंशन पाना, रिटर्न वापस आना, राइट सही करना, और राइट का मतलब हक भी होता है, रिस्क खतरे में डालना, रॉब डिकेती करना, रोयन तबाह करना, रूल हुक्मरानी करना, हुकूमत करना, यानी ही रूल्ड अ प्रॉस्पेरस कंट्री, वो एक खुशहाल मुल्क पे हुकूमत करता था, रूल करता था, सैडन अफसरदा करना, सैड अफसरदा और सैडन अफसरदा करना, बेहतर वर्ब्स हैं जिनके आखिर में ई एन लिखा होता है और वो वर्ब बन जाती हैं, सेल बहरी सफ़र करना पानी के ऊपर, सेटिस्फाई मुतमेन होना, सेटिस्फैक्शन मुतमेन, सेव महफूज करना, सही कहना, और स्कूल का मतलब स्कूल की पढ़ाई करना, स्कूल के दौर में रहना, और स्कूल का मतलब एक तो इदारा भी होता है जो स्कूल होता है, और उसको एज अ वर्ड स्कूलिंग आप कह सकते हैं, यानी स्कूल कि आप स्कूल में हैं, आजकल आपकी लाइफ जो है वो स्कूलिंग का है, सर्च ढूंढना, सेकंड तायद करना, किसी की बात को मान लेना, एग्री करना, उसके मुताबिक चलना, जैसे मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, आई सेकंड यू व्हाट यू सेड, आपने जो कहा मैं उसकी तायद करता हूँ, सेकंड करता हूँ, सेक्लूड जिसका मतलब है अलग रखना, जैसे मर्दों को औरतों से अलग रखना, अलग अलग इंतजाम करना, सेक्लूड होता है अलग रखना, सिक्योर हासिल होना, सेलेक्ट चुनना, किसी चीज़ को चुन लेना, सेलेक्ट करना, सिलेक्शन में ले आना, सेल बेचना, सेंस महसूस करना, सर्व खिदमत करना, सीयू कपड़े सीना, शेड अंधेरा देना, शेक हिलाना, शेम शर्म दिलाना, और शेम का मतलब ऐसे भी है शर्म, शेप तश्कील देना, शार्पन तेज करना, शिफ्ट मुंतकिल होना, शाइन चमकना, शिप जहाज पर लादना, शॉक सदमा पहुंचना, शूट गोली मारना, शॉर्टन छोटा करना, शॉर्ट करना, शो दिखाना, सिकन दिल खट्टा कर देना, बीमार कर देना, सिकन कर देना, जैसे साइट नज़र पड़ना, साइन दस्तखत करना, साइलेंस खामोश रहना, सिन गुनाह करना, सिंक गाना, सिंक डूबना, सिट बैठना, स्लीप सोना, स्लाइट हकीर समझना, स्लिप फिसलना, स्लो आहिस्ता करना, स्माइल मुस्कराना, स्मोक धुएं का उठना, सॉफ्टन नरम करना, सॉल्व हल करना, सॉरो रंजीदा होना, सॉ बीज बोना, स्पीक बोलना, स्पेल हिचे बनाना, स्पेंड गुजारना, खर्च करना, स्पिन घुमाना, स्पॉयल खराब करना, स्पॉट दागदार कर देना, किसी चीज़ को दाग वाला कर देना, स्प्रिंग उछलना, स्टेबलाइज मुस्तहकम करना, किसी को मुस्तहकम करना, स्टेबल करना, स्टार्व भूखा मरना, भूखा होना, स्टार्विंग टू डेथ इतना भूखा हो जाना कि मरने के करीब हो, स्टार्विंग टू डेथ, स्टेट बयान करना, बात करना, शुरू करना, स्टील चोरी करना, स्टॉर्म तबाही मचाना, स्ट्राइक मारना पीटना, जर्ब लगाना, स्टडी पढ़ना, स्टूपीफाई अहमक बनाना, उल्लू बनाना, जैसे स्टूपिडिटी और स्टूपिड निकला जिसका मतलब अहमक, स्टूपिड सबमिट मान लेना, तस्लीम करना, सक्सीड कामयाब होना, सफ़र मुसाइब में गुजरना, मुब्तला हो जाना,
सफ़र करना, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से तकलीफ में है, बुखार से गुजर रहा है। सफाइस या सफेस, काफ़ी होना किसी चीज़ का, काफ़ी होना, सफिशेंट काफ़ी, और सफाइस जिसका मतलब है काफ़ी होना किसी चीज़ का। सफोकेट दम घुटना, सजेस्ट तजवीज़ करना, सूट मुआफिक आना, सुपरवाइज निगरानी करना, सप्लिकेट इल्तजा करना, दुआ करना, सपोर्ट हिमायत करना, सरप्राइज हैरतजदा करना, सस्पेक्ट शुबा होना, शक होना, स्वीयर कसम उठाना, स्वीप झाड़ू देना, स्वीटन मीठा करना। और गौर कर लीजिए, ये भी ई एन वाला है और स्वीट का मतलब मीठा, स्वीटन मीठा करना। सेम्पथाइज हमदर्दी करना, हमदर्दी रखना, सहमति करना, टॉक बात करना, टेस्ट चखना, टैक्स टैक्स आयद करना, टीच पढ़ाना, टीयर फाड़ना, टेल बताना, टेरिफाई डराना, खौफजदा करना, थैंक शुक्रिया अदा करना, सिकन गाढ़ा करना, थिक गाढ़ा, सिकन गाढ़ा करना, थिंक सोचना, थ्रस्ट प्यास होना, तलब होना, थर्स्ट ऑफ नॉलेज इल्म की तलब होना, प्यास होना, थर्स्ट, थ्रेटन धमकाना, टाइम वक्त का अंदाज़ा लगाना, टॉलरेट बर्दाश्त करना, टच छूना, ट्रेन तरबियत देना, ट्रांसफ़र तबादला करना, ट्रांसलेट तर्जमा करना, ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह जाना, ट्रबल मुसीबत देना, ट्रस्ट एतबार करना, टर्न मुड़ना, यूज़ इस्तेमाल करना, अटर अदा करना, लफ्ज़ों को अटर करना, अदा करना, वकेट खाली करना, वारी मुख्तलिफ होना, वेरीफाई तस्दीक करना, वैक्स तंग करना, जलील करना, वॉइस आवाज़ निकालना, बयान करना, बात शुरू करना, वॉलंटियर रजा कराना, पेश तौर पे पेश होना, मुफ्त के तौर पे पेश होना, वॉलंटियर, वोट राय देना, वेट इंतज़ार करना, वेक जागना, वांडर आवारा घूमना, वॉश धोना, वेस्ट ज़ाया करना, वॉच देखना, वाटर पानी लगाना, वीकन कमज़ोर कर देना, और वीक का मतलब है कमज़ोर, और वीकन कमज़ोर कर देना, वियरी थका देना, जैसे आई एम वियरी मैं थका हूँ, वेट वज़न तोलना, वे वज़न तोलना, और वेट वज़न, वेल आंसू भर आना, वेल योर आइज़ आर वेलिंग विद टीयर्स, आपकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं, वाइटन सफ़ेद करना, और वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, और एन लगाया तो वो वर्ब बन गया जिसका मतलब करना, सफ़ेद करना, वाइड से निकला वाइडन जिसका मतलब है चौड़ा करना, और वाइट का मतलब होता है चौड़ा वसी, और लफ्ज़ है विल जिसका मतलब है ख्वाहिश करना, मर्जी करना, जैसे आई एम विलिंग टू मीट यू, मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश करता हूँ, मेरा दिल है मैं आपसे मिलूँ, आर यू विलिंग टू पे, क्या आप पे कर सकते हैं, पे रखने के ख्वाहिशमंद हैं, विन जीतना, जीत जाना, विश ख्वाहिश करना, वांडर हैरान होना, वर्क काम करना, राइट लिखना, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये, डू नॉट फॉरगेट टू लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम अस, मोर थिंग्स, एंड रिमेंबर दिस This lesson was made only for people who wanna speak English from basic. And if you know this lesson, if you learned this lesson, if you listen this lesson every day, I guarantee you, surely, with surety, you will go through with English speaking 25% to 50%, because a lot of things that come in English with these words. These are the most basic English. Dua karta hu Allah hum sab ko kamyab ho, kamran kare, Amin. Or to download this video as a PDF. Or download this lesson as a PDF, you need to visit our website englishea.com, englishea.com, if you wanna download the PDF, or you can ask us in the comments that we need the link for this video, or if you want the link, you can check the comments, or you can check our description box. Have a good time. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.